सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गोंडा जिले से अभिनव पहल की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी इसे देखकर अभिभूत हो रहे हैं। जहां मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई और निर्देशन में दर्जनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाइनिंग सेट का निर्माण करवाकर उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी गई है जिन बच्चों को खड़े होकर धूल मिट्टी बारिश के साए में मिड डे मील खाना पड़ता था। लेकिन शानदार डाइनिंग सेट बनने के बाद अब सभी बच्चे डाइनिंग सेट पर बैठकर खाना खाते हैं, जो बच्चों को इस बात का एहसास दिलाता है कि सरकारी स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। इसी नायाब पहल को और बेहतरीन सोच के लिए CDO गौरव कुमार की जिले भर में प्रशंसा भी हो रही है। बता दें कि इन्होंने जिले भर में स्कूलों को बहुत अच्छा बनाया है, साथ ही इनका ये जो पहल है ये काफी ज्यादा सराहनीय है। बता दें CDO गौरव कुमार ने बताया कि एक दर्जन से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाइनिंग सेट का निर्माण करा दिया गया है, जहां बच्चे बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। इसके अलावा जिन विद्यालयों में कक्ष की कमी होगी, ऐसे में ये डाइनिंग सेट बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी प्रयोग किए जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी लक्ष्य सभी 2600 विद्यालयों में बनाए इन डाइनिंग सेटों को बनाने का है और उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ताकि बच्चे सम्मानजनक शिक्षा और व्यवस्था के साथ अपनी पढ़ाई कर सके। देखिए, जैसा प्राय देखने में आता है कि कहीं कहीं पर विद्यालयों में संकुचित जगह होने की वजह से या अन्यथा भी बच्चों को कभी कभी खुले में जो है खाना खाने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में एक प्रयास जो है यहाँ किया जा रहा है कि अधिक से अधिक विद्यालयों में डाइनिंग शेड, जिसे MDM शेड का भी नाम दिया गया है, बनाए जा सके। ये एक टेम्पररी शेड के रूप में रहेंगे, जिसमें एक मेस टाइप की व्यवस्था हो सके, जिसमें सीमेंटेड बेंच और डेस्क हो जहाँ बच्चे बैठकर खाना खा सकें, ताकि कोई पक्षी ऊपर से जा रहा है या धूल मिट्टी बारिश, ऐसे किसी भी परिस्थिति में बच्चे आराम से सुरक्षित रूप से हाइजेनिक खाना खा सके।